जी, तो जीओसी के अंदर हमने आज पढ़ना है नया टॉपिक बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल कोवलेंट बनते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड एंगल होता है, और जो कि आइसोमेरिज्म की वजह से या आइसोमेरिज्म उसकी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। आयनिक कंपाउंड जनरली आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं और बॉन्ड एंगल जनरली डिस्क्राइब नहीं किया जाता क्योंकि नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, डेट्स वाई हम लोग इनके लिए बॉन्ड एंगल भी डिफाइन करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास तीन एटम्स हैं, लाइक ए बी और बी। तो बॉन्ड एंगल से मुराद क्या है कि इस सेंट्रल मेटल एटम ने जो दो बॉन्ड बनाए हुए हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, थीटा को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। यानी कि बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए तीन एटम एटलीस्ट होने ही चाहिए, एक दो और तीन। और एंगल किसके लिहाज से डिफाइन किया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम के लिहाज से। ठीक है, थीटा क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। जैसे आपने एग्जांपल देखी हो वाटर, तो वाटर के क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो लोन पेयर होते हैं, और इसके बीच का जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है ये 105 डिग्री 4 मिनट के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 105 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हों तो वो कितना रेडियल डिस्टेंस तय करती हैं एक दूसरे के लिहाज से या उस पॉइंट के लिहाज से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं हाइड्राइड्स ऑफ सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड से मुराद आपके पास कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एटम ले लेते हैं। ठीक है, आगे भी होते हैं फ्लोरीन और इधर भी होगा कुछ ना कुछ, बस हम लोग बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो यही काफ़ी है। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो CH4 चार हाइड्रोजन लगा देंगे, नाइट्रोजन तीन बनाता है तो तीन लगा देंगे और हाइड्रोजन ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मीथेन अमोनिया और वाटर। अब अगर आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हो तो कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है मीथेन में, और हाइड्रोजन इस तरह एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, इन दो के बीच में या इन दो के बीच में, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो 109 डिग्री होगा, डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। लेकिन अगर यही आप अमोनिया का बनाएं, एन एक लोन पेयर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, किसी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ये होता है 107 डिग्री। ठीक है, और वाटर का देखा जाए, ऑक्सीजन दो लोन पेयर आ जाते हैं और ये वाला हाइड्रोजन, ये मज़ीद कम हो जाता है 105 डिग्री से। तो आप देखें इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ये ख़ास बॉन्ड एंगल आया, लेकिन एक लोन पेयर आया तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोन पेयर रिपल्शन लगाते हैं, लोन पेयर रिपल्शन लगाएंगे तो उसके नतीजे में बॉन्ड मज़ीद ऐसे बेंड हो जाएंगे तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। अब दो दो लोन पेयर आ चुके हैं तो रिपल्शन ज़्यादा लगेगी बॉन्ड एंगल के ऊपर, तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। जब लोन पेयर मौजूद होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, वो डेफिनेटली होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है ना, और किस चीज़ पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, आप एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल NF3 और NH3। ठीक है, ये नाइट्रोजन के फ्लोराइड्स हैं और ये नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स हैं। नाइट्रोजन एक लोन पेयर होगा और तीन फ्लोरीन होंगे इस तरह, और इसका नाइट्रोजन एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लोन पेयर भी एक एक है।
सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री। इसका कितना होगा, हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 107, लेकिन 107 नहीं होता बल्कि ये आ के हमारे पास हो जाता है 102 डिग्री, 102 डिग्री। अब ये 107 से 102 क्यों है, ऑल दो ऑल कंडीशन आर सेम, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगी तीन तीन मिलके, तो ओवरऑल नेट शेल रिजल्ट क्या होगा, नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जब इस डायरेक्शन में आएगा तो लोन पेयर ये ऊपर वाली तरफ होगा इसका अमोनिया के अंदर देखा जाए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। जब थोड़ा सा पास आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, अब इसके पास खींचने के लिए क्या है, अपना लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब थोड़ा सा पास आ जाएगा तो ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 102 डिग्री है। तो दूसरी हम लोग स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि दी सराउंडिंग एटम्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। यानी कि सराउंडिंग एटम्स, और सराउंडिंग एटम्स की क्या जनरली प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल्स को वो डिफाइन करवाती है। कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये फ्लोरीन खींचने वाले हैं, लेकिन अगर आप यही एन CH3 और CH3, ठीक है, जब आप इसको लगाएंगे तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, मज़ीद दूर हो जाएगा, तो ये आपस में थोड़ा सा खुल जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, रिपल्शन नहीं लग पाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल लगभग 110 डिग्री के पास आता है, ठीक है ना, 110। तो लॉजिक समझ पा रहे होंगे आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो लोन पेयर नीचे तक आ जाएगा तो रिपल्शन ज़्यादा लगाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या डोनेशन इफेक्ट है तो उसके नतीजे में लोन पेयर ऊपर चला जाता है तो बांड थोड़े से खुल जाते हैं, जैसा कि ये हुआ है, ठीक है। एक और है एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन और क्लोरीन, इसी तरह नाइट्रोजन ब्रोमीन, नाइट्रोजन के फ्लोराइड्स, नाइट्रोजन के क्लोराइड्स और नाइट्रोजन के ब्रोमाइड्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम सबसे इसमें होना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसका बॉन्ड एंगल अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसने तो इलेक्ट्रॉन खींचे हैं ऊपर से नीचे वाली तरफ, तो लोन पेयर थोड़ा सा पास में आ जाएगा ऐसे, जब लोन पेयर पास में आएगा तो रिपल्शन कम, तो ये कितना एंगल आता है, 102 डिग्री का आता है। अब इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन की है, ये इलेक्ट्रॉन जब पास में खींचेगा तो इतना ये लोन पेयर को पास में नहीं खींच सकता, जिसकी वजह से इतना रिपल्शन नहीं लगता, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्लोरीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इनके बीच में क्या चालू हो जाता है, रिपल्शन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इतना इफेक्टिव नहीं रहता बल्कि वो आपस में रिपल्शन की वजह से खुल जाते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्री होता है। दोबारा इस चीज़ को देख लें कि इन एटम्स का जो नेबरिंग है इनका साइज़ भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। ये तो इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे ब्रोमीन का इतना इतना साइज़ है, तो ये इतना दूर दूर चले जाते हैं कि ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि एक बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए आपके पास लोन पेयर देखना चाहिए कि है कि नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ सेंट्रल मेटल भी देखनी चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स भी देखनी चाहिए, उनका साइज़ भी देखना चाहिए। अगर साइज़ एक ख़ास हद से बढ़ चुका है कि जो ज्योमेट्री को ही फिट नहीं कर पा रहा तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। अब हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि इससे 102 से इसका ज़्यादा होगा, और वो कितना होता है, 107 जितना होता है, लेकिन
ऐसा तो नहीं है ना, जैसे नाइट्रोजन अमोनिया और अमोनिया और अमोनिया, इसका कितना होता है? 107। ठीक है, अब इसमें और इसमें तो फ़र्क है, इन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम क्यों है? ऑल दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की नेगलिजिबल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको पिचकना चाहिए था, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऐसे बेंड नहीं हुए वी शेप के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ जो है वो अच्छा खासा है, तो साइज़ क्या होता है? रिपल्शन, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगवाता है, जिसकी वजह से ये एक बॉन्ड एंगल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी एक एसेंशियल पैरामीटर है और ये हमारे पास स्टेबिलिटी को डिफाइन करवाता है। ठीक है, जैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल से 107 है, ये 102 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये 107 पे कर रहा है, ये 109 पे कर रहा है, लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा, अगर लोन पेयर की अमाउंट कम होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अगर लोन पेयर ज़्यादा हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द होल अबाउट बॉन्ड एंगल्स। जनरल सा आइडिया आपको होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल होता क्या है और कैसे ये लोन पेयर बदलने से, कैसे ये सेंट्रल एटम के साथ, कैसे ये सराउंडिंग एटम बदलने से अब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का आपके पास अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।